लखनऊ के विभूति खंड में अजीत सिंह की हत्या में शामिल एक और शूटर की पहचान हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राजेश तोमर नाम के शूटर की पहचान हुई। राजेश तोमर अजीत सिंह की हत्या के दौरान घायल भी हुआ था। राजेश तोमर अलीगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल सुनील राठी गैंग के लिए काम कर रहा है। सुनील राठी वही है जिसने बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी। राजेश तोमर अब भी फरार है। अजीत सिंह की हत्या में शामिल एक बदमाश की फिल्मी अंदाज में दिल्ली में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिल्ली में कन्हैया की गिरफ्तारी की तस्वीरें भी सामने आई, जो किसी ड्रामे से कम नहीं है। जिस वक्त लखनऊ शूटआउट के शूटर को दिल्ली में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, उस समय आरोपी पिस्टल निकालकर दिल्ली पुलिस के दो सिपाहियों को दे रहा है। ये सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। मौके पर दो सिपाहियों के अलावा कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है, सिर्फ आम लोग। यूपी पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी ने प्लान के तहत सरेंडर किया था। इसके पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत सिंह की हत्या की वारदात के बाद आरोपी जिस लाल डस्टर कार से भागे थे, उसे भी बरामद कर लिया गया। पुलिस लगातार अजीत सिंह हत्याकांड के खुलासे के पीछे लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि आखिर अजीत सिंह की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश।